हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। फिलहाल है ना, मैं अभी रेडी हो जाता हूँ बढ़िया स्नान वान करके। तो सुबह तो उठ गया था जल्दी आराम से, तो अगर देखो काम करके अब है ना बढ़िया दूध पी लिया, तो अब है ना बढ़िया से स्नान करते हैं, रेडी वेडी होते हैं। तो एक फंक्शन में जाना है, तो आप भी देखना कि किस टाइप का फंक्शन होने वाला है। गंगोर है ना आज, तो इस वजह से फंक्शन है। तो ललित ने यहीं पे चावल चढ़ा दिया है, मतलब इसी में चढ़ा दिया है सीधा कुकर की जगह। तो फाइनल गाइस रेडी हो चुका हूँ, बढ़िया स्नान करके ब्लैक शर्ट पहन लिया है और नीचे जींस है, काफी बढ़िया, मेरा फेवरेट कलर ये ब्लैक। तो आपका कलर कौन सा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो हम रेडी हैं, तो ललित भाई साहब बोल रहे मैं नहीं चल रहा, तो इसकी कल एग्जाम है साइंस की, तो इसलिए ये बोल रहा है मैं नहीं चलूंगा। तो मैं और पापा मम्मी जा रहे हैं तीनों ही। मास्क भी ले लिया, तो फेस कवर करना जरूरी, वरना गर्मी की वजह से हालत खराब हो सकती है। तो आप भी कहीं पे जाओ ना, तो यार मुंह पे ना कुछ ना कुछ बांध के जाना, वरना यार हालत खराब हो जाएगी, खतरनाक वाली धूप, खतरनाक वाली, और गर्मी तो और भी ज्यादा ही है। The world is waiting half a step beyond our door, yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store, I wanna take it all in, I'm falling, the cityscape by night, wanna catch in my photos. So finally aa chuke hain hum yahan pe. अभी वो जो भी थी वो ढूंढ किया हुआ था, तो यहाँ पे सात जनों की ढूंढ की है भाई एक साथ। तो अभी मैं सभा में बैठा हूँ, तो देखो कितने बड़े साफे बंधवा दिए यार, मतलब एक के ऊपर दो तीन चार ऐसे, गजब के ना। Every corner twice as bright, they'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights, the Stockholm lights, the Stockholm lights. मैं घर पे आ चुका हूँ, तो मम्मी पापा का कुछ अर्जेंट काम निकल गया, इसलिए फिर से आना पड़ा। तो मम्मी पापा गए काम से बाहर और मैं यहीं पे हूँ, तो मैं खाना खा के नहीं आया, तो अभी यहीं पे खाऊंगा। मेरा मन नहीं किया वहाँ पे खाने का, मम्मी पापा ने तो ऐसे बोला था कि रह जा वहाँ पे, तो है ना ननिहाल वालों के साथ आ जा। ननिहाल वाले भी वहाँ पे आए थे, तो मेरा मन नहीं किया, चलो यार नहीं खाता। तो ललित ने जैसे कि मैंने बताया था कि चावल बने थे, तो चावल खाएंगे बढ़िया कड़ी के साथ। तो फाइनली हमारे रेडी है दाल चावल बढ़िया कांदे के साथ, प्याज के साथ खाता हूँ मैं तो, हमारे भारतीयों को प्याज बहुत पसंद है भाई। ललित तो पढ़ाई कर रहा है, दिख रहा होगा। तो फाइनली गाइस अभी देवदी करके आया हूँ, तो वहां से है ना मतलब आया, खाना खाया था दोपहर को और सो गया था, तो वहां से अभी सुबह मतलब शाम के 6 बजे उठ के फिर देवदी करके अभी अभी आया। तो है ना आज हम गए थे वहां पे जिम निकले, तो हम जिम निकल करके आए ना, तो वहां से मालपुआ आ गए, मालपुआ खाएंगे वहीं से आए हैं, नानी ने भेजे, तो काफी टेस्टी लग रहा है, थोड़ा सा खा लेते हैं ये, एक छोटा सा बहुत है ये तो मेरे नसीब में था ये। तो गाइस वीडियो है ना एडिट हो चुका है, तो मतलब अभी है ना वो अमित फड़ाना वाला है पप्पा का चश्मा वाला, तो वो वाला ब्लॉग नहीं देखा हो तो जल्दी से जाके देख लेना, काफी इंटरेस्टिंग है और काफी मजेदार है, तो आपको मजा आएगा। तो यार कल के ब्लॉग जो सौरव जोशी वाला था, मतलब उसके टाइप का दिखाऊँ, उसके थोड़ा बहुत व्यूज कम आए,
कोई बात नहीं, चलता है, होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है भाई, शेयर मार्केट की तरह है, ऊपर नीचे यूट्यूब पे भी होता रहता है, सो कोई बात नहीं उसके लिए। तो अब है ना जल्दी से है ना वीडियो को अपलोड करके फिर सो जाएंगे। इस व्लॉग को मैं पिन करता हूँ। आई होप आज का व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।